सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास टेस्ट के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स सब्जेक्ट की है और अपने चल रहा था एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 सिलेक्शन एंड कलिंग। इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे चयन की विधियां और चयन की चार विधि है जो अपन ने पढ़ ली थी, व्यक्तिगत चयन, वंशावली चयन, संतति परीक्षण एवं प्रदर्शन वर्ग चयन। और आज अपन पढ़ेंगे पैतृक एवं पर्यावरण के आधार पर चयन। पैतृक एवं पर्यावरण के आधार पर पशु का चयन किस प्रकार किया जाता है या इस पर चयन करते हैं तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई भी पशु हो उस पशु की आनुवांशिक संरचना पर, उसके माता पिता एवं पर्यावरण का या वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कई जीव ऐसे होते हैं जो माता पिता में या जन्म भूमि में पाए जाते हैं लेकिन वो वातावरण के प्रभाव के कारण उस संतति में नहीं पहुंच पाते हैं। कई लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता में कम होते हैं लेकिन पशु को उचित वातावरण मिलने के कारण उन गुणों की प्रबलता या प्रभाविता संतति में बढ़ जाती है। तो पशु के चयन करने पर या उसकी आनुवंशिक संरचना पर वातावरण और पैतृक लक्षण है जो दोनों का बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है। जब पशु को उचित वातावरण मिलता है तो उसके सभी लक्षण पर्याप्त मात्रा में विकसित हो जाते हैं और दिखाई देते हैं लेकिन जब पशु को उचित वातावरण नहीं मिल पाता है तो उस पशु में वे लक्षण उपस्थित होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो अब अपन इसमें देखेंगे पैतृक एवं पर्यावरण के आधार पर चयन। इसमें नोट कीजिए आप पैतृकता एवं वातावरण दोनों का पैतृकता एवं वातावरण दोनों का पशु के आंतरिक व बाह्य गुणों पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। पैतृकता एवं पर्यावरण दोनों का पशु के आंतरिक व बाह्य गुणों पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें अतः संतति का अच्छा होना केवल जन्मभूमि पर निर्भर नहीं करता क्योंकि वातावरण उन गुणों के प्रदर्शन में कमी या वृद्धि कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे एक पशु को अपने जन्मों से अच्छे जीन प्राप्त हुए हैं लेकिन उसके जीवनकाल में उसे उचित जलवायु में खान पान का एक पशु को अपने जन्मों से अच्छे जीन्स प्राप्त हुए हैं लेकिन उसके जीवनकाल में उसे उचित जलवायु व खान पान का अभाव रहा हो तो वे जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे और पशु में अच्छे गुण होते हुए भी उत्पादन के आधार पर या बाह्य लक्षणों के आधार पर
वह पशु चयन से वंचित रह जाता है। कहने का साफ साफ मतलब यही है कि मान लो एक पशु है और उस पशु में उसके माता पिता से उसे अच्छे जीव मिले, लेकिन उस पशु को अगर अपन उचित जलवायु नहीं मिल रही है या उचित आहार नहीं मिल रहा है तो वे गुण उस पशु में होते हुए भी वो पशु उन गुणों को दिखा नहीं पाता है, उन लक्षणों को प्रकट नहीं कर पाता है। और उस पशु में अच्छे गुण विद्यमान होते हुए भी वो पशु चयन से वंचित रह जाता है। अतः पशु के चयन के लिए हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर पशु के चयन के लिए हेरेडिटी और एनवायरमेंट दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं तो यह आपके पैतृक एवं पर्यावरण के आधार पर चयन था। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्पादन के आधार पर चयन। उत्पादन या प्रोडक्शन के आधार पर चयन, इसमें नोट कीजिए आप, इस विधि में पशु का चयन, इस विधि में पशु का चयन उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। इस विधि में पशु का चयन उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन देखेंगे कि किस किस पशु का चयन किस उद्देश्य से किया जाता है। डेयरी पशु का चयन उसकी दूध उत्पादन क्षमता वे 8% के आधार पर किया जाता है। डेयरी पशु का चयन उसकी दूध उत्पादन क्षमता वे 8% के आधार पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है भेड़ बकरी का चयन ऊन व मांस उत्पादन के आधार पर किया जाता है। अगर अपन गाय भैंस पाले तो उस गाय भैंस का चयन है जो उस गाय भैंस के दूध उत्पादन की क्षमता व उसके 8% के आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर अपन भेड़ बकरी का चयन करते हैं तो उनका चयन ऊन व मांस उत्पादन के आधार पर किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपके सुअर का चयन उसकी शारीरिक वृद्धि, सुअरों का चयन उनकी शारीरिक वृद्धि व बच्चे उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाता है। शारीरिक वृद्धि व बच्चे उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाता है। मुर्गियों का चयन अंडा व मांस उत्पादन के आधार पर किया जाता है। मुर्गियों का चयन अंडा व मांस उत्पादन के आधार पर किया जाता है। तो ये हो गया आपके उत्पादन के आधार पर चयन, यानी जिस पशु को जिस उद्देश्य के माध्यम से हम पाल रहे हैं उस पशु का चयन उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगर वो उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो उस पशु का चयन कर लिया जाता है, और यदि वह पशु अपना उद्देश्य पूर्ति नहीं कर रहा है तो उस पशु का चयन उत्पादन के आधार पर नहीं किया जाता है। आज के लिए इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन पशु की जनन क्षमता तथा स्वास्थ्य के आधार पर चयन की विधि के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर से संबंधित कुछ शब्दावली जो छोड़ गए।